अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं तो यहाँ अपनी फैमिली के साथ बारिश एंजॉय कर रही थी, यकीनन आप लोग भी कर रहे होंगे। इस बारिश के मौसम में कुछ लोग पकोड़े बनाते हैं और कुछ लोग बहुत डिफरेंट स्नैक्स बनाते हैं। मेरी फैमिली ने फरमाइश की कि मैं देसी स्टाइल चिकन टाकोस बनाऊँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में चिकन के 3 ब्रेस्ट पीसेज ले लिए हैं, उनको स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी कुछ स्पाइसेस के साथ। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून ऑयल। और बस इन सब स्पाइसेस को मैंने ऐड कर दिया है, अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसको मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। आफ्टर 2 आवर्स ये देखिए ज़बरदस्त ही हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। इसको मैं अब फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे मैंने एक डीप पैन ले लिया है, फ्लेम मेरा मीडियम पर है। ऑयल मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि चिकन में मैं पहले ही ऑयल ऐड कर चुकी हूँ। और बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी ज़बरदस्त सा। पूरा कुक कर लेना है आपने, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर भी करना है आपने, ताकि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। और 10 मिनट बाद ये देखें चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है, इसको पूरा मैं ड्राई कर लूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी ज़बरदस्त सी चिकन डन हो गई है। बस थोड़ा सा मैं इसको और कुक करूँगी और फिर मैं इसको प्लेट में निकाल के इसको मोटा मोटा स्ट्रेट कर लूँगी। मेरा गला भी थोड़ा जो है ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ डाउन लग रही होगी। बरसात के मौसम में अक्सर ये हो जाता है। और बस ये हमारी चिकन हो गई है, तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और अब मैं जो हूँ वही पैन ले लूँगी दोबारा। और मैंने फ्लेम मीडियम पर कर दिया है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने बटर ऐड कर दिया है। बटर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है प्याज चॉप्ड करके ऐड कर दी है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। एंड देन फिर 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा ऐड कर दूँगी। मैदे को थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें 1 कप जो है रूम टेम्परेचर दूध ऐड कर दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करें ताकि जो है कोई लम्प्स ना बने। बेसिकली पहले मैं वाइट सॉस रेडी कर रही हूँ और अच्छे से स्टेयर करते रहें। हमारी थोड़ी देर में ये जो वाइट सॉस है थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और बस मैं इस पॉइंट पर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा चिकन में भी नमक है और जो बटर मैंने ऐड किया था वो भी सॉल्टी था, तो इसलिए मैंने नमक अभी कम डाला है। और यहाँ पर मैं जो हूँ 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि सॉस अच्छा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। और अब मैं इस सॉस में जो है वो चिकन जो मैंने श्रेड की है वो मैं ऐड कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं सारी चिकन आप इसमें ऐड कर दें। अगेन अच्छे से मिक्स करें। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी पूरे किचन में गाइस। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इस पॉइंट पर मैं वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। 1 कैप्सिकम मैंने क्यूब्स में कट कर ली थी वो ऐड कर दी है और 1 मैंने गाजर ले ली थी जिसको मैंने स्लाइस में कर लिया था वो ऐड कर दूंगी मैं। आपकी मर्ज़ी है, आप और डिफरेंट वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने जो है सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमने 1 मिनट तक इसको कुक करना है ताकि ज़बरदस्त सी हमारी सब्ज़ियाँ क्रंची रहें। और बस अब मैं इसको फ्लेम ऑफ करके इसको जो है एक बाउल में निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक बाउल में आटा ले लिया है, 1 कप मैदा और 1 कप रेगुलर आटा। उसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वहाँ प्याले में आपको 1 कप नीम गर्म पानी नज़र आ रहा है। जिस तरह आप आटा गूंथते हैं रेगुलर, उसी तरह आपने जो है रोटियों का आटा गूंथना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना बहुत ज़्यादा रनी।
और आप जो है इस आटे को गूंदने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। आफ्टर 15 मिनट्स ये देखें हमारा जो आटा है बहुत अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा सा मुखिया मैं इसमें और लगाऊंगी ताकि ज़बरदस्त सा हमारा आटा रेडी हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा हमारा ये आटा रेडी हो गया है आफ्टर 15 मिनट्स। और बस आटा मैं थोड़ा सा स्लैब पे डस्ट कर लूँगी और आटे के मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, ना बहुत ज़्यादा छोटे और ना बहुत ज़्यादा बड़े। जो दरमियाने साइज़ के पेड़े होते हैं उससे थोड़े से छोटे मैं पेड़े बनाऊँगी, क्योंकि हमें जो टाकोस की रोटियाँ हैं वो पतली बनानी हैं, तो उस हिसाब से आप पेड़ा लीजिएगा ताकि ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी क्रंची सी हमारी चिकन टाकोस रेडी हों। आप इस चिकन टाकोस की रोटियों को जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हाफ डन करके एयर टाइट बैग में जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप निकालें और चिकन टाकोस रेडी करें। ये देखिए यहाँ पे सारे पेड़े बन गए हैं और बस नॉर्मल रेगुलर जो आप रोटी बनाते हैं उसी तरह इसको बेलना है, पतला सा बेलना है इस रोटी को। और वहाँ पे मैंने फ्लेम में तवा भी रख दिया है प्री हीट होने के लिए। ये देखें हमारी पहली रोटी बिल गई है और देखें कितनी पतली है ये। इसको अब मैं तवे पे रखूँगी। तवा हमारा प्री हीट हो गया है और बस डालने के बाद तवे पर हम इंतज़ार करेंगे कि एक साइड से कुक हो जाए, फिर मैं इसको टर्न कर दूँगी। बेसिकली चिकन टाकोस की रोटियों को मैंने जो है हाफ़ डन करना है, एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है और दूसरी साइड को थोड़ा सा कम पकाना है। ये आप देख सकते हैं इसी तरह मैं सारी चिकन टाकोस की रोटियां रेडी कर लूँगी। और अब टाइम आ गया है चिकन टाकोस रेडी करने का। यहाँ पे हमारी रोटियां जो है हाफ डन हो गई हैं और फिलिंग भी मैंने बाउल में निकाल ली है और मेयोनीज और केचप आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रोटी ले लूँगी, रोटी की जो ज़्यादा कुक हुई हुई साइड है उसको मैं ऊपर रखूँगी और जो थोड़ी कच्ची है उसको मैं नीचे रखूँगी और मेयोनीज ऐड करूँगी। सबसे पहले अच्छे से हर जगह मेयोनीज स्प्रेड कर दें और फिर केचप ऐड करूँगी। ज़बरदस्त से हमारे ये चिकन टाकोस रेडी होंगे और बस केचप ऐड करने के बाद एक साइड पर मैं जो हूँ चिकन की फिलिंग ऐड करूँगी। बारिश के मौसम में ऐसी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और देसी स्टाइल चिकन टाकोस तो मेरी फैमिली को बहुत ही पसंद आए थे। और ये देखें फिलिंग आप अपने हिसाब से जो है ऐड कर दें एक साइड पर और इसको फिर कवर कर दें इस तरह। इसी तरह मैं चिकन टाकोस रेडी कर लूँगी और मैंने जो है फ्लेम पर तवा भी रख दिया है प्री हीट होने के लिए। तवे में मैंने जो है 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और यहाँ मैं जो हूँ चिकन टाकोस को फ्राई कर लूँगी। ऑयल की जगह आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें दो दो करके मैं चिकन टाकोस फ्राई करूँगी और ज़बरदस्त सा क्रिस्पी क्रंची सा इसको मैं कर लूँगी। ये देखें तकरीबन 1 मिनट के करीब हो गया था तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ और अब ऐसे ही दूसरा भी टर्न कर दूंगी मैं। अगेन टर्न करेंगे, ज़बरदस्त सा कलर जब तक ना आ जाए। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आना स्टार्ट हो गया है चिकन टाकोस पे। और अब मैं इसको सेंटर से भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी और ये आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त से हमारे ये चिकन टाकोस रेडी हो गए हैं। इसको मैं अब करूँगी डिश आउट, कितने यमी लग रहे हैं देखने में। गाइस इस चिकन टाकोस को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएंगे। मैं चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एक बार फिर ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।